पानीपत के एसपी ऑफिस तीसरी मंजिल से फिलहाल आपको लाइव और सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर एक मिनट एक साल CIA2 पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और समालखा से TGT का जो पेपर था ऑनलाइन, उसको होटल के कमरे में बैठकर सोल्व किया जा रहा था। CIA2 के इंचार्ज फिलहाल मौके पर हैं और SP पानीपत इसमें कुछ कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं कुछ देर। तो कल एक FIR रजिस्टर हुआ है थाना समालखा में, जहाँ पे एक टेन स्पून करके होटल है समालखा में, तो वहाँ पे एक कमरे में ये 5 व्यक्ति थे जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक एग्ज़ाम चल रहा था, उसमें TGT की जो टीचर्स की जो भर्ती होती है, TGT के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें वो कुछ सॉल्वर के माध्यम से उसको पेपर्स को सॉल्व कर रहे थे और कैंडिडेट्स को पहुंचा रहे थे, वो एग्ज़ाम चल रहा था। तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, तो वो किसी ऐप के माध्यम से जो एग्ज़ाम ऑलरेडी चल रहा होता है तो उसके स्क्रीन को रिमोटली एक्सेस करके उसके क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्वर बैठा के उसके जवाब बताते हैं और उसको वो सॉल्व करते हैं। तो गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति में 3 हिसार के हैं, एक भिवानी का है और एक आपका पंजाब का है। इनसे हमें 17 लैपटॉप बरामद हुई है और 6 मोबाइल फ़ोन, इसके अलावा छोटे मोटे पेरिफेरल्स जो है, चार्जर और एक्सटेंशन बोर्ड वगैरह बरामद हुए हैं। तो लैपटॉप और मोबाइल जो हैं, हम ये फॉरेंसिक लैब भेजेंगे, उस पर एग्जामिनेशन करेंगे कि उनके क्या उसमें क्या डाटा है और क्या क्या और भी इंफॉर्मेशन है। और इनका काफ़ी बड़ा गिरोह है, इन्होंने कुछ और भी एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम में चीटिंग कराने की बात मानी है, और वो ये सारे एग्ज़ाम जो है बेसिक जो अभी तक जो पूछताछ में बात आई है, तो जो सेंट्रल एग्ज़ाम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स, उसी में से, यूपी हरियाणा का भी ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इन्होंने भी संलिप्तता दिखाई है। उसमें से एक लड़का जो है कपिल, जो हिसार का है, तो वो पहले भी गिरफ्तार हुआ था किसी एक पेपर लीक के मामले में, और वो रेलवे में वो क्लर्क है। और बाकी जो सॉल्वर है उसके, वो सॉल्वर जो है 2 हिसार के, एक भिवानी के, तो ये लोग कोचिंग वगैरह अब किसी न किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो कपिल ही मास्टरमाइंड रहा जो इसके हरियाणा में, और वो सॉल्वर्स लाता था और वो कैंडिडेट्स भी चूज़ करता था, और ये पैसे की डीलिंग करके जो पंजाब में जो और भी लोग जो हैं इस गिरोह में, तो उनके साथ सेटिंग करके और 10 से 12 लाख में डीलिंग करता था कि आपको ये एग्ज़ाम हम पास करा देंगे। तो इन्होंने पहले भी कल दूसरे शिफ्ट में, हमें पहले शिफ्ट में इन्फॉर्मेशन आ गई थी, पहले शिफ्ट में इन्होंने किया था सेटिंग, तो दूसरे शिफ्ट में जब इन्फॉर्मेशन आई तो हमने रेड किया, तो सारी चीज़ें मिली। और इससे गहनता से पूछताछ, कितने दिन का रिमांड मिला? 3 दिन है ना, 3 दिन का रिमांड जो मिला हमें, अभी जस्ट कोर्ट से आए हैं, तो 3 दिन का रिमांड है, तो हम और गहनता से पूछताछ करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो रिमांड के एक्सटेंशन की भी करेंगे। कोशिश करेंगे कि जितने भी गिरोह में जितने भी लोग हैं उन सभी को हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और अपने नेटवर्क का खुलासा करें। तो फिलहाल जो 5 आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में और 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता लग गया कि KVS TGT का मैथ का पेपर लीक हुआ था, कुछ लोग कह रहे थे कि फेक न्यूज़ है, आपने अब लाइव देख लिया है ना कि संदिग्ध पकड़े गए हैं, तब पेपर कैंसिल होगा नहीं होगा, वे तो आपको KVS वाले बताएंगे, अभी कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ, अगर नोटिस जारी तो हम आपको बताएंगे, और नई डेट क्या आएगी वो भी आपको बता देते हैं, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, KVS की जो भी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। जय हिंद।